गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कि डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है 47.25 जो एक डेसिमल में दे रखा है, मुझे उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल की खास बात ये होती है 1 to 9 नंबर्स होते हैं और 10 की जगह पे 11 रिप्रेजेंट करते हैं और 11 की जगह पे 20, सो ऑन, यानी 15 की जगह पे एफ आएगा। तो वही करा मैंने, 47 को पहले डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 15, फिर 16 को, फिर 2 को मैंने 16 से डिवाइड किया, फिर कितना आया 2। रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा, वही लिखा मैंने 2। अब 15 की जगह 15 ना लिखे मैंने, यहाँ पर क्या लिखा है एफ। पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट मैंने मेंशन किया है 0.25। अब 0.25 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखो पहली बार में 4.00 आ गया, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया है। अगर वही मान चलिए, अब मुझे हेक्साडेसिमल से और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वही मैंने क्या करा, ए और बी है जो दे रखा है मुझे, हेक्साडेसिमल में डेसिमल में कन्वर्ट कर रखा है, तो मैंने बस ए की जगह पे 10 लिखा है, बी की जगह पे 11। यानी कन्वर्ट करने के टाइम पर तो मैं नंबर में लिखूंगा और शो करने के लिए आंसर मैं ए और अल्फाबेटिक यूज़ करूंगा। तो बस मैंने वही मल्टीप्लाई करा, 10 का कितना हो गया 160, और ये 16 टू वो 0 है तो ये कितना कितना आया 11, टोटल किया तो कितना आ गया 171। अब बात करते हैं आज के होमवर्क की। मैंने होमवर्क मेंशन कर दिया है, ये नोटबुक में करिएगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।